हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मुंबई स्पेशल पाव भाजी। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 केजी आलू लिया है। इसको मैंने बॉयल कर लिया और अच्छे से मैश कर लिया है। यहाँ पे मैंने 5 बड़े साइज़ के प्याज को कट कर लिया है बिल्कुल बारीक। 500 ग्राम गोभी लिया है, इसको भी मैंने बॉयल कर लिया है। बटर और 250 ग्राम लिया था शिमला मिर्च, उसको भी मैंने बॉयल कर लिया है। 250 ग्राम लिया था यहाँ पर मैंने मटर, उसको भी बॉयल कर लिया है। 3 बड़े साइज़ की टोमेटो, इसको भी कट कर लिया है बिल्कुल बारीक। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। मसाला में मैंने यहाँ पे लिया है स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे मैंने लिया 6 स्पून पाव भाजी मसाला और धनिया पाउडर। हमारा पेन गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे तेल। मैंने यहाँ पे 1 कप तेल ऐड किया है। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज और इसे अच्छे से मिक्स करके हमें 5 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम पे। देखिए, हमने इसको 5 मिनट तक पका लिया है प्याज को। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 स्पून लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट और इसको अच्छे से हमें मिक्स करके और इसे भी पकाना है 2 मिनट तक। देखिए, इसको भी मैंने 2 मिनट पका लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना कटा हुआ टोमेटो और इसे भी हमें पका लेना है 2 से 3 मिनट। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे भी पकाना है। देखिए, मैंने इसे 5 मिनट तक पका लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी अपना ये सारा मसाला, हमको इसमें ऐड कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स करके हमें इसे पकाना है बिल्कुल 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है। देखिए, मैंने इसे 7 मिनट तक फ्राई कर लिया है और हमारा तेल अब निकल रहा है साइड से। हमारा मसाला फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बॉयल किया हुआ मटर, बॉयल किया हुआ ये गोभी और बॉयल किया हुआ ये आलू और बॉयल किया हुआ ये शिमला मिर्च। इन सबको हम अच्छे से मैश कर लेंगे इसमें। देखिए, मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसे हमें ढक के पकाना है 5 से 7 मिनट। देखिए, हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, तैयार है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ग्रेवी, इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हमने ज़्यादा पतला नहीं बनाया है, बस इतना ही कम ग्रेवी डालना है कि ये एक साथ ही रहे, जमा हुआ सा फील हो। इसमें हम ऐड करेंगे अब 2 क्यूब जो मैंने लिया था बटर का वो, और इसे अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके वापस 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल हाई फ्लेम पे पका ले। हमारा मसाला तो फ्राई है इसलिए हमें ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, बस 2 से 3 मिनट ही पका ले। देखिए, इसमें उबाल आ रहा है। हमारा अभी तैयार हो चुका है, अब हम गैस बंद कर लेंगे और इसके ऊपर से हम हरी धनिया से गार्निश कर लेंगे और इसके ऊपर में भी हमें ऐड करना है थोड़ा सा बटर। देखिए, हमारा ये भाजी तैयार है। अब हम बनाएंगे पाव। ऐसे हम पाव को लेंगे और इसको चाकू से ऐसे बीच से कट कर लेंगे। देखिए, ऐसे मैंने बीच से कट कर लिया है इसको। अब हम तवे पे डालेंगे पहले थोड़ा सा बटर, इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और अब इसके ऊपर में हम पाव को ऐसे रख के और ऐसे इसको सेकेंगे, इसको दोनों साइड से ऐसे पका लेना है। इसके ऊपर से मसाला रख के अच्छे से मिक्स करके इसको ढक देना है। हमारा इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। सीख चुका है हमारा ये पाव। अगर आपको नॉर्मल पाव पसंद है तो आप वो भी खा सकते हैं। इसको थोड़ा सा बटर डाल के मेल्ट करके इसे अच्छे से दोनों साइड पका लें। ये हमारा सिंपल पाव है।
देखिए ये भी अच्छे से दोनों साइड से सिक चुका है, इसे भी हम निकाल लेंगे। देखिए इसी प्रोसीजर से हमें सारा निकालना है, हमारा बटर मेल्ट हो जाए उस पर डाल के और आप सेक लें। देखिए मुंबई स्पेशल पाव भाजी हमारा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।